हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड। एंड दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाग अश्विन जी के मूवी कल्की के बारे में। तो पहली बात तो भाई, कल्की मूवी क्या जोरों शोरों से चल रही है। एंड मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो भाई, मूवी की स्टोरी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि भाई दर्शकों को बांधे रखती है। एंड लोग जो है ना भाई, जो कल्की मूवी देखने गए ना, उनको पता है ये बात कि भाई कल्की के आने वाले जितने भी पार्ट है, यानी कि कल्की सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली जितनी भी मूवी है, उनका भाई लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई ये मूवी कोई एक पार्ट वाली पिक्चर नहीं है। आप एक पार्ट देखोगे तो आपको लगेगा ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी देखनी बची है। यानी कि एक सीरीज़ की तरह, वेब सीरीज़ के लिए मतलब एक पार्ट हो गया। जिस तरीके से एक ना दबदबा था ना प्रभास का बाहुबली 1 और 2 के लिए। बाहुबली 1 में हमने देखा था कटप्पा को, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो उसके पीछे एक रीज़न, मतलब लोगों के मन में एक बोल सकते हो कि भाई कि एक थॉट था कि भाई कैसे क्यों मारा एंड ऑल, तो वो सब सवाल लोगों के दिल में थे। उसी तरीके से भाई कल्की में भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों के मन में सवाल हैं। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, कल्की मूवी में जो प्रभु श्री कृष्ण है वो कौन प्ले करने वाला है। क्योंकि भाई जब कृष्ण भगवान, मतलब पिक्चर स्टार्टिंग में कृष्ण भगवान आए थे, उनका चेहरा नहीं दिखा, बट जो उनकी आवाज़ है, जो उनके चलने की मतलब तरीके हैं, एंड भाई जो बैकग्राउंड स्कोर है भाई, वो जो बोल सकते हो कि भाई जो नारायण ने अपना म्यूज़िक दिया हुआ है ना, वो पूरी फाड़ दिया है भाई। एंड इतना वो संतोष नारायण का BGM वो ख़तरनाक लगा था। एंड ऊपर से जो कल्की में कृष्ण भगवान का किरदार जिन्होंने भी प्ले किया, उन्होंने अपना चेहरा तो नहीं दिखाया, बट बिना चेहरा दिखाए गूज़बम्प्स ले गए। तो भाई कौन थे आखिरकार वो, ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। एंड भाई ये मिस्ट्री आज आपका भाई सुलझाने वाला है कि भाई वो कृष्ण भगवान कौन थे, कौन प्ले करेगा कृष्ण भगवान आने वाले टाइम में, वो सभी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड भाई कमेंट में ज़रूर भाई बताना आपको कल्की मूवी कैसी लगी। और प्रभास के फैंस भाई भर भर के शेयर करो वीडियोज़ को। तो भाई कल्की मूवी में जो कृष्ण भगवान का किरदार है वो प्ले करने वाले कोई और नहीं भाई, तमिल इंडस्ट्री के एक्टर कृष्ण कुमार हैं। कृष्ण कुमार सुब्रमण्यम एक तमिल सिनेमा के बहुत ही जाने माने एक्टर हैं। सूर्या के साथ रिसेंटली उन्होंने उड़ान मूवी में काम किया था, जिसका रीमेक बन रहा है सरफिरा, उसमें उन्होंने काम किया है। धनुष के साथ मरन मूवी में उन्होंने काम किया है। तो भाई उनकी एक से एक मूवीज़ हैं, एक से एक मूवीज़ हैं उनकी जो कि भाई तमिल इंडस्ट्री में हैं। एंड भाई वो तमिलियन है और वो हिंदी बोल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता भाई। तमिल इंडिया वाले जो तमिलनाडु वाले हैं उनको हिंदी उतनी अच्छे से आती नहीं है। तो भाई जिस बंदे ने हिंदी में आवाज़ दिया उसने तेलुगु में दिया, तमिल में दिया, इतना फ्लुएंटली कौन बोल रहा है भाई, इतना फ्लुएंटली वाला बोलने वाला इंसान कौन है। मैं आपको बताऊँ, आप उस इंसान को ज़रूर जानते हो, ये आवाज़ सुनो आप पहले। रोलेक्स, उसका नाम है दिल्ली। दोस्तों ये आवाज़ आपने सुना, ये आवाज़ आपको ज़रूर याद दिला दिया होगा कि भाई ये बंदा कौन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन दास के बारे में। तो अर्जुन दास जी का इसमें आवाज़ है, एंड जो बॉडी, एंड जो भाई बोल सकते हो कि जो कृष्ण भगवान दिखाए गए हैं वहाँ पे, वो कृष्ण कुमार सुब्रमण्यम है। एंड जो आवाज़ ली गई है भाई हमारे अर्जुन दास की ली गई है इन द मूवी कल्की। एंड भाई अब सवाल आता है कि भाई कल्की मूवी में कौन प्ले करेगा रोल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई कौन प्ले करेगा रोल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भाई लॉर्ड कृष्णा का रोल कोई भी एक्टर प्ले करने नहीं वाला है जो रीसेंट टाइम्स है, क्योंकि भाई रीसेंट टाइम का कोई एक्टर वो नहीं ले रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है उनका कल्की मूवी का प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है भाई, जो विजय मूवीज़ हैं उन लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया है। एंड भाई उनका आपने लोगो देखा होगा, उस लोगो में कौन है, उस लोगों में है सीनियर NTR, जो कि भाई एक वेटरन एक्टर है, जूनियर NTR के पापा हैं वो भाई। तो भाई जो रूमर्स है, जो बज़ हैं, वो यही हैं कि भाई प्रोड्यूसर ने बोला है कि भाई कृष्ण भगवान का रोल जो है वो करने वाले हैं भाई सीनियर NTR। एंड उनको भाई ग्राफिक्स से बनाया जाएगा, बॉडी ली जाएगी कृष्ण कुमार की, बट उसमें चेहरा जो फिट किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, उसमें किया जाएगा सीनियर NTR का। जिस तरीके से आपने देखा कि भाई चेहरा फिट किया गया है अमिताभ बच्चन का, यंग वाले फ़ोटो को भाई ग्राफिक्स में डाल के एकदम एक बढ़िया सा एकदम एडिट करके अश्वत्थामा, यंग अश्वत्थामा बनाया भाई अमिताभ बच्चन को, उसी तरीके से हमें कृष्ण भगवान को भी दिखाया जाएगा। दोस्तों नाग अश्विन का जो विजन है ना, एक नेक्स्ट लेवल पे वो जा रहा है। एंड वो जो पिक्चर बना रहे हैं भाई ना, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे हिंदू कल्चर को लेकर, हमारे इंडिया का जो कल्चर है उसको वो इतना ज़्यादा भाई एपिक लेवल में लेकर जा रहे हैं ना भाई, मैं बता रहा हूँ भाई दूर नहीं है। आज 419 करोड़ मूवी ने टोटल कमा लिया है भाई 3 दिनों में। अब वो दूर नहीं है कि भाई ये
मूवी 1500 करोड़ तक कमाए एंड भाई बाहुबली 1-2 दोनों का रिकॉर्ड तोड़े। दोस्तों आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में बताना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो एंड भाई इसी तरीके का प्यार बनाए रखो। हमारे फैमिली को ग्रो करना है। ये कल की मूवी का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कमल हसन, क्या वो रियल में कल की होने वाला है या नहीं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। एंड कर्न, वाई कर्न केम बैक इन द कल की मूवी, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो उन सभी वीडियोस के लिए भाई वेट करो, चैनल पे बने रहो। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।